morning, my dear students. A warm welcome to you all in today's Hindi class. So students, do you know? आपको पता है कि आज मैम आपको क्या सिखाएंगे? मैं बताती हूँ, आज हम क्या सीखेंगे? आज मैम आपको आ की मात्रा सिखाएंगे. आज से हम मात्रा सीखेंगे. देखिए क्या होती है आ की मात्रा. आ के बारे में तो आप सबको पता है, ये क्या है? स्वर है. और जब स्वर आ मात्रा का रूप ले लेता है तो वो कैसे चेंज हो जाता है? देखिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. तो जब आ मात्रा के रूप में चेंज हो जाता है तो वो कैसे बन जाता है? देखिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. इसे और समझते हैं. देखिए ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये क, क लिखा हुआ है ना. जैसे हमने क बोला तो हमारा माउथ कैसे ओपन हुआ? कम ओपन हुआ ना. जब हमने इसमें आ की मात्रा को लगा दिया, आ की मात्रा को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? का. क्या बन गया ये? का. क में जैसे ही हमने आ की मात्रा को जोड़ा तो ये क्या बन गया? का. और जैसे ही हमने का बोला तो हमारा माउथ कैसे ओपन हुआ? बिग ओपन हुआ ना, का. तो इसी तरह से जब हम व्यंजनों में आ की मात्रा को लगाएंगे या किसी भी मात्रा को हम लगाते हैं तो उनकी साउंड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, बदल जाती है. जैसे कि अभी देखिए, आपने अभी देखा जब हमने क में आ की मात्रा को लगाया तो वो क्या बन गया? का. वो क्या बन गया? का. तो आइए अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाते हैं. ओके, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. एक बार क्या था, एक बार एक जंगल में बहुत सारे अक्षर रहते थे. ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, ये सारे अक्षर मिलजुल कर एक जंगल में रहते थे. एक दिन उनको क्या पता चला कि जो स्वर आ है उसको मैजिक आता है. तो उन सब ने सोचा कि हम सब आ के पास जाएंगे और उसका मैजिक देखेंगे. तो वो सब एक साथ मिलकर आ के पास आते हैं और आ से कहते हैं कि हमने सुना है तुम्हें तो मैजिक आता है, क्या तुम हमें अपना मैजिक दिखाओगे? तो आ बोलता है क्यों नहीं, मुझे तो मैजिक आता है. तो वो जादू की छड़ी घुमाता है और वो अपने आप को बदल देता है, चेंज कर लेता है. किसमें चेंज हो जाता है? वो आ की मात्रा का रूप ले लेता है. देखिए वो चेंज होके कैसे बन गया. देखिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. उसने अपना रूप बदल लिया और उसने बोला कि मैं तुम सबकी साउंड चेंज कर सकता हूं. फिर सबसे पहले क आया, क आ के पास आया और बोला कि क्या तुम मेरी साउंड चेंज कर सकते हो? तो क आ ने क्या किया? आने आ की मात्रा का रूप ले लिया. कैसे ले लिया? देखिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. और देखिए फिर जो क था उसमें जब आ की मात्रा को जोड़ा तो वो क्या साउंड, उसकी साउंड किसमें बदल गई? बोलिए, अभी बताई थी ना मैम ने, क्या बन गया? का. यस, का. और अक्षर ख आया. देखिए ख कहां पर है, अब अक्षर ख आया. ख ने बोला क्या तुम मेरी साउंड भी चेंज कर सकते हो? तो उसने बोला हाँ, मैं तुम्हारी साउंड भी चेंज कर सकता हूं. तो उसने क्या किया, वही मात्रा का रूप ले लिया, आ की मात्रा का. तो वो क्या बन गया, क्या बन गया, किसमें चेंज हो गई उसकी साउंड? बोलिए, खा. खा. वो क्या बन गया?
खा। तो इस तरह से जो भी व्यंजन उसके पास जाता उसकी साउंड बदल जाती। तो अब कौन सा व्यंजन आया अगला? व्यंजन ग। उसने बोला क्या तुम मेरी साउंड भी बदल दोगे? तो उसने फिर मात्रा का रूप बदल लिया और वो क्या बन गया? क्या बदल दिया उसने साउंड? किसमें चेंज कर दी ग की? बताइए। ग। किसमें चेंज हो गया वो? ग। इस तरह से एक एक करके सबको मैजिक देखना था। सब चाहते थे ना, ऐसे तो किसी को विश्वास नहीं होता। तो वो वन बाय वन करके सब आए आके पास। तो फिर किसकी बारी आई? व्यंजन घ की। उसको भी अपनी साउंड चेंज करके देखना था कि ये झूठ तो नहीं बोल रहे, इसको सही में मैजिक आता है कि नहीं। तो फिर उसने घ को भी अपना मैजिक दिखाया और घ की साउंड को चेंज कर दिया। क्या बना दिया उसकी साउंड को? घा। मात्रा लगा के घा। घा क्या बना दिया? घा। घा देखिए सबकी साउंड चेंज कर दी ना। अब व्यंजन च की बारी आई, उसको भी मिलना था आ से। तो उसने बोला मेरी साउंड भी चेंज करके दिखाओ। अब उसने फिर आ की मात्रा का रूप लिया तो वो क्या बन गया? चा। क्या बन गया? क्या बना बच्चों? चा। क्या आवाज हो गई उसकी? साउंड कैसे चेंज हो गई उसकी? चा। चा। अब इसके बाद कौन सा व्यंजन आया बताइए? कौन सा आता है छ के बाद? छ। यस, व्यंजन छ। उसको भी आ की मात्रा ने चेंज कर दिया। किसमें बदल दिया? मात्रा लगाते ही वो उसकी साउंड क्या हो गई? छा। क्या हो गई उसकी साउंड? छा। छा। छ की साउंड किसमें चेंज हो गई? छा। इसी तरह से आगे भी देखते हैं बाकी व्यंजन की साउंड कैसे चेंज होगी। सो स्टूडेंट्स, अब बारी आई व्यंजन ट की। वो भी आ के पास आया और उसने बोला क्या तुम मेरी साउंड चेंज कर सकते हो? फिर उसने आ की मात्रा का रूप ले लिया। आने देखिए क्या होती है आ की मात्रा? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। और क्या चेंज कर दिया उसकी साउंड को? किसमें बदल दिया? क्या बन गया ट? टा। किसमें बदल गया? टा। टा। और अब आया व्यंजन त। त को भी आ की मात्रा लगाई, देखिए उसकी साउंड किसमें बदल गई? टा। टा। वेरी गुड। इसी तरह से आपने भी हर व्यंजन के साथ आ की मात्रा को लगा के और उसकी साउंड को देखना है कैसे चेंज होगी। देखिए प में जब आ की मात्रा को लगाया तो देखिए क्या बन गया? पा। पा। क्या बन गया? पा। पा। अब व्यंजन य। य में जब हम आ की मात्रा को लगाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? या। क्या बन गया? या। इसी तरह से जब हम श में आ की मात्रा को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? शा। शा। क्या बन गया ये? शा। शा। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने आ की मात्रा को सीखा। तो आपने भी आज इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।